दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास हमारी चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बनाते हैं पिज्जा, बच्चों का फेवरेट। तो इस पिज्जा बेस को बनाने के लिए आप मार्केट में इस तरह का पिज्जा बेस मिलता है, आप ला सकते हो। और उसके बाद ये सारी सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसमें कैप्सिकम, टमाटो, ऑनियन और कैबेज सब काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इसकी जो है हम लोग तैयारी करके रख लेते हैं। अब इस बेस पे सबसे पहले हम लोग ये सॉस, पिज्जा सॉस आता है, आप उसे लगा सकते हो। नहीं कुछ है तो ये सॉस, टमाटो सॉस आप सबसे पहले इस पे लगा देते हैं। ये सब्जियां जो हमने तैयार की है, इस सब्जियों को हमने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है। इसके बाद रिफाइन गर्म हो चुका है तो हमने हल्दी और नमक इसमें कलर लाने के लिए डाल दिया है। इसके बाद इन सब्जियों को पका लेते हैं अच्छे से। और ये सब्जियां जब अच्छे से पक जाएंगी तो ये टॉपिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि सब्जी हमारी पकी है नहीं पकी है। वाओ, ये सब्जी कितनी पूरी तरह से पक चुकी है। हम गैस को ऑफ कर देते हैं, सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा बेस लेते हैं और इसे हमने बना के एक प्लेट में निकाल लिया है तैयार करके। और अब हमें क्या करना है कि पिज्जा बेस जो हमने लिया था इसमें हमें टमाटो केचप लगाना है। पिज्जा सॉस लगा सकते हैं आप, आपकी जो इच्छा हो, जो अवेलेबल हो घर पे आप अच्छे से लगा सकते हैं। इसमें इसको चारों तरफ से बहुत अच्छे से ऐसे ही लगा लेना है। सॉस को हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से लगा लिया है। इधर कढ़ाई में मैंने तेज आंच पे नमक गरम कर लिया है। जब तक ये नमक गरम हो गया है हमने इसे धीमा कर दिया है आंच। और ये देखिए, सॉस लगाने के बाद हम ये सब्जियां जो तैयार की हुई है इसे ऐसे फैला लेंगे इसके ऊपर अच्छे से। सब्जियों को फैलाने के बाद ये मोजरेला चीज हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। और इसके बाद इसे इस तरह से ऐसे इसके ऊपर ये भी डाल देते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से डाल के। और ये जो हमने स्टैंड लिया है दोस्तों, स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि हमें डायरेक्ट इसे स्टैंड पे ही इसे पकाना है। और इसे बड़ी सावधानी के साथ हमें स्टैंड पे कवर करना होगा इस तरह से। इसके बाद हमें प्लेट ऐसे सीधी करके इसे ऐसे पकाना है ताकि ये आराम से धीमी आंच पे पके। और ध्यान रखना इसे आंच बहुत धीमी रखनी है ताकि ये जलने ना पाए। पिज्जा तैयार हुआ कि नहीं, ये देखिए पिज्जा मेल्ट हो चुका है सारी चीजें में। पिज्जा हमारा बन के रेडी है। अब हम इसे गैस ऑफ करके स्टैंड बाहर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, पिज्जा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसमें हल्का सा हम काली मिर्च डाल देते हैं और हल्का सा नमक। इसके बाद इसे कट करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।